हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज की खास रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 9 मीडियम साइज का प्याज काट के रख लिया है। एक गांठ लहसुन छील के ले लिया है और हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज का टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और 2 से 3 इंच अदरक मिक्सी की जार में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। बेसन में डालेंगे 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और कूटा हुआ लहसुन मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक। और अब पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसा हम बेसन का चिल्ला बनाते हैं उसी तरीके से इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे रख देंगे साइड में। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में तेल डालने के बाद इसे गर्म होने देंगे। और जो प्याज मैंने काट के रखा हुआ था फ्रेंड्स, उसी प्याज में से मैंने थोड़ा सा बेसन में डाला हुआ था। और थोड़ा सा प्याज डाल देंगे तेल में। 2 से 3 तेज पत्ता डालकर प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा प्याज फ्राई हो गया है। 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 चम्मच सब्जी मसाला और बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे इसी में। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और कढ़ाई को 2 से 3 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। इसे एक बार फिर से हम चला देंगे। अभी इस मसाले को हम और भुनेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करना बिल्कुल। और अब जो मैंने बेसन का घोल बना के रखा हुआ है उसका बनाएंगे चिल्ला। चलिए इस तरीके से देखिए तवे पर फैला देंगे, जैसा हम चिल्ला बनाते हैं बेसन का उसी तरीके से बनाएंगे। इसे हमें थोड़ा मोटा फैलाना है, ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है। और इसे फैलाने के बाद मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेकने देंगे। एक तरफ ये सेक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। तेल लगाकर अच्छी तरह से फैला देंगे। एक तरफ सेकने के बाद इसे हम पलट देंगे। और इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर दोनों तरफ तेल लगाकर सेक लेंगे। और अब इसे इस तरीके से कट लगा देंगे, चारों तरफ से कट लगा देंगे। और इसी तरीके से बाकी के भी चिल्ले सेक कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 चिल्ले बेसन का सेक कर तैयार कर लिया है। और अब इन सब का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से गल गया है। इसमें डालेंगे लगभग 2 कप पानी। पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और ये सारे चिल्ले के टुकड़े इसी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये है बेसन का भुजिया सब्जी। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसी के साथ साथ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया है मैंने 2 चम्मच। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी भी अच्छी तरह से सोख चुका है। और एक बार फिर से हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और थोड़ी सी डाल देंगे काला नमक। ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है क्योंकि मैंने पहले से भी सफ़ेद नमक डाला हुआ है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद कढ़ाई को ढक देंगे 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इस सब्जी को आप रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। फ्रेंड्स, एक बार आप हमारे तरीके से ये बेसन का भुजिया बनाकर खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।
और अगर मैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब्जी देखने में जितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। और इसे खाते समय ऊपर से बटर जरूर से डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर मैं आपके पास बटर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप देसी घी भी डालकर खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये सब्जी। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।